हम तो भोली हैं छलपरी, लेकिन तुम बेवकूफ हो जो हमसे सजा पाने खुद यहाँ चली आई। ये कठपुतली देख रही हो तुम सब? तुम सब भी ऐसे ही कठपुतली बनकर मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचोगी। बस छलपरी बस, बहुत बोल लिया तुमने। कौन कठपुतली बनेगा और कौन किसके इशारों पे नाचेगा, इसका फैसला अभी हो जाएगा। आक्रमण परियो, आक्रमण परियो, आक्रमण परियो। अटकाती भटकाती परी, आप छलपरी पर आक्रमण करने के बजाय हम पर आक्रमण क्यों कर रही हैं? हम छलपरी के गुलाम हैं। जो उन पर आक्रमण करेगा वो हमारा दुश्मन है। सुना सुना इस धुन को तुम सबने? अगर अब भी नहीं समझी तो समझ जाओ कि इनकी तरह तुम सब भी मेरी गुलाम बनने वाली हो। छलपरी, हम अपनी परियों को समझाएंगे, उन्हें तुम्हारा साथ नहीं देने देंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अटकाती भटकाती परी को छलपरी ने सम्मोहित किया हुआ है। विष्धार परी, आप भी बुराई का साथ दे रही है। साथ तो तुम भी दोगी बाल परी, प्यार से नहीं तो वार से। ऐसा कभी नहीं होगा छल परी। बाल परी, काल परी, आप भी? अब तुम अकेली हो बाल परी, एकदम अकेली। अब मैं बजाऊंगी अपनी वशीकरण धुन और तुम सबको सम्मोहित कर दूंगी। आंधी ने हमारे सच्चाई के सूरज को थोड़ी देर के लिए जरूर ढक दिया है, लेकिन जब बालवीर नाम का तूफान आएगा तब तुम तिनके की तरह उड़ जाओगी। हमारी सच्चाई का सूरज फिर से निकलेगा। हाँ, फिर से निकलेगा। बालवीर, 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 अरे पुकार रही है बाल परी, बालवीर को, बालवीर अब कहो। चल, अरे छल परी।
बाला बालवीर, जब है बाल परी को वरदान, क्या बाल परी के बुलाते ही आ जाता है बालवीर, हो जा कहीं भी, भागो छल परी भागो। अरे बंद कीजिए फूकना ये लकड़ी का बाजा, भागिए भागो भागो भाग, अरे गोपा गोपा भाग। दिन 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 था मैंने भागता, तो फिर रहो खड़े यही, क्या आएगा बालवीर तो कर देगा हम सबकी खटिया खड़ी। बालवीर, बालवीर आप कहाँ हो? हाँ तो बताइए रॉकी चाचू। पता है बालवीर, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बालवीर आप कहाँ हो? माँ मुझे परीलोक बुला रही है और उनकी आवाज सुनकर लग रहा है कि परीलोक में कुछ गड़बड़ है। रॉकी चाचू मानो मेहर, मुझे अभी जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन बालवीर मुझे तो रॉकी चाचू कुश्ती का मुकाबला कल है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे पहले आकर आप सबसे बात करूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ठीक है बालवीर, शुक्रिया, चल मैं घर चलता हूं, बालवीर को बाद में बुलाएंगे। चलिए रॉकी चाचू। नहीं नहीं मानव, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। अरे गया कहाँ वो माश? अरे है ये तो मेरी महाशक्ति चंदन की शीशी, गया पूछवाए, गया पूछवाए। इस पावरफुल टॉनिक ने बापूजी को उससे भी ज्यादा पावरफुल मुसीबत में अटका दिया है, और ये मुसीबत तो च्युइंगम की तरह खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन जब तक बालवीर नहीं आता, तब तक मुझे ही इस शीशी को संभाल के रखना होगा, ताकि ये मोंटू जैसे किसी शैतान बच्चे के हाथ न लग जाए। गया बच मैं परी लोग से भागने से, अब हो जाता मैं मानो मेरे के घर और ले लेता हूँ ये महाशक्तिशाली इंद्र की शिष्य रॉकी चाचू से किसी भी तरह वापस। बालवीर, माँ सब ठीक तो है ना? देखिए सब परियां भी आ गए। नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है, अभी कुछ देर पहले यहाँ छलपरी आई थी। छलपरी यहाँ परीलोक में? वो आकाश चक्र से कैसे बच गई? पता नहीं बालवीर, पर उससे आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? इच्छा तो उसकी वही थी बालवीर, लेकिन उसे ये भी पता था कि बालपरी के पुकारते ही तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, इसलिए वो तुमसे डरकर भाग गई। हाँ बालवीर, इस बार छलपरी के इरादे बहुत ही खतरनाक है, और उन्हें पूरा करने के लिए उसने हम सबको सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया था। हाँ बालवीर, लेकिन उसके यहाँ से भागते ही परियों पर से उसका सम्मोहन भी टूट गया। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए। छल परी की बुराई ने अच्छाई को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की, और इस गलती की उसे सजा देने के लिए मैं अभी के अभी छल लोक जाऊंगा, और वहां जाकर उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो परीलोक में आना तो दूर, उसकी तरफ नजरें उठाकर देखने की बिना सोचे। हाँ बालवीर, हमें छल परी के हमले का तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, कोई योजना बना के। हाँ, वरना तुरंत हमला करना हमारे खुद के लिए भी घातक हो सकता है, और वैसे भी वो इतनी जल्दी हम पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगी। तो बालवीर आप पृथ्वी लोक पर जल्दी जाइए और वहां की सुरक्षा कड़ी कीजिए। हाँ बालवीर, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना गुस्सा बच्चों को निशाना बनाकर दूर करे। हाँ बालवीर, यही ठीक होगा, हमारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप पृथ्वी लोक जाकर बच्चों की सुरक्षा कीजिए, हम सब मिलकर छल लोग जाकर छल परी को ढूंढते हैं। तो ठीक है माँ, मैं अभी पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों को सुरक्षित करता हूँ। अपना ध्यान रखना बालवीर। हाँ। आ जाइए छल परी। आपका दुश्मन चला गया। वाह।
परियों वाह, सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी रक्षकों के मुंह से झूठ के गीत सुनते हुए बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम सब झूठ के इतने सुरीले गीत गा सकती। तुम्हारे जीवन के पहले झूठ की तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परियों। समझता था पहले मैं इनको, लेकिन निकले आप तो छल और चालाकी की देवी। धड़कदुम धड़कदुम धड़कदुम। हाँ चल परी, बिल्कुल सही समय पर आपने इन परियों को सम्मोहित कर लिया था। और मारता वो पालवीर और बचाता हम सबको तबले की तरह, सिवाय इस गोबा को बाकी। सिवाय मेरे क्यों? वैसे तुम तो बजते ही रहते हो तबले की तरह, धड़क धुम ऐसे ही, धड़क धुम धड़क धुम धुम। बस बाजा तो उस बालवीर का बजेगा अब, क्योंकि सारी परियां मेरी कठपुतलियां हैं। अब जैसा जैसा मैं कहूंगी ये वैसा वैसा ही करेंगे, है ना परियों? हाँ चल परी। तुम सब मेरे इशारे पर नाचोगी ना परियों? हाँ चल परी। तो जाओ और बालवीर के प्रिय अच्छे और सच्चे बच्चों को अपने वश में करके बुरा और शैतान बच्चा बनाने का कार्य शुरू कर दो। ध्यान रहे कि पूरे पृथ्वी लोक पर एक भी बच्चा बुराई के संगीत से बचना नहीं चाहिए। जो आ गया चल परी। तुमने मुझे आकाश चक्र में भेजा था ना बालवीर, मुझे? अब देखें कैसे वक्त आने पर इन परियों के हाथों में तुम्हें आकाश चक्र में भेजूंगी बालवीर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगी। तो परियों जाओ और हर बच्चे के दिल में बुराई का संगीत भर दो और कराओ बुरे काम नन्हे नन्हे हाथों से। बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम? सर रॉकेट उड़ रहे हैं सर रॉकेट। चुप। अब जल्दी से सारे पेपर समेटो वरना पनिशमेंट मिलेगा, समझे ना? समेटो बच्चों। सफाई नहीं, बच्चे अपनी कक्षा खराब कर रहे हैं। बच्चों पूरी कक्षा का नक्शा खराब कर दो। ये क्या कर रहे हो बच्चों? अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो बच्चों, देखो वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम सब? छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे अरे छोड़ो बच्चों, तुम लोग मुझे क्यों बांध रहे हो? क्यों मुझे छोड़ो, खोलो मुझे। इस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि ये बच्चे इसकी नहीं हमारी सुनेंगे, क्योंकि ये बच्चे अब हमारे वश में हैं। तुम लोगों की शैतानी की शिकायत मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से करूंगा, छोड़ो मुझे जाने दो। देखो तुम लोग की शिकायत करूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो
तो लग जाएगा वो। नहीं नहीं, देखो मुझे छोड़ो। हो सकता है कोई बच्चों को रोकने की कोशिश करे। हम इनके इर्द गिर्द सुरक्षा गुब्बारा बना देते हैं ताकि इन बच्चों को कोई नहीं रोक पाए। और मैं इस गुब्बारे के अंदर अपनी विचार शक्ति डालती हूँ ताकि जो भी इस गुब्बारे को छुए उसे बिजली का झटका लगे। देखो तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम्हारी शिकायत में तुम्हारा प्रिंसिपल साहब करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। देखो मुझे छोड़ दो। मैडम ये जी देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट। मुझे बचाइए मैडम, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। बच्चों ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, छोड़ो उन्हें। मुझे कितने परेशान किया। बच्चों अब अपनी अपनी ड्राइंग बुक खोलो और ड्राइंग करना शुरू करो। बच्चे चित्रकारी करेंगे जरूर, पर कागज पर नहीं, दीवारों पर। दीवारों पे एक ड्राइंग मत करो वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। बच्चे ऐसे शैतानियां क्यों कर रहे हैं? बालवी, मुझे इन बच्चों से बचाओ। बालवी रुक जाओ। बच्चों एक तो तुम अपनी कक्षा को खराब कर रहे हो और दूसरी बात अपने शिक्षक को भी परेशान कर रहे हो। ये बात गलत है बच्चों। ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है ये सब छलपरी के सम्मोहन में। मुझे सबसे पहले बच्चों के ऊपर से सम्मोहन हटाना होगा। छलपरी को मैं हरा दूं, लेकिन उससे पहले बच्चों के ऊपर से हट जाए इसका जादू। छलपरी का जादू नहीं है तो किसका जादू है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।